Assalamualaikum, welcome to my channel in Gossips with Sam. जी हाँ, मूली बना ले आप, पेट को कर दे ये साफ, ठीक है। ऑयल ले लिया हमने यहाँ पे एक प्याली, जिस तरह के यहाँ है ये मसाला जात, नमक है ठीक है 1 खाने का चमचा, और ये हल्दी है 1 टीस्पून, और 2.5 चमचा खाने का था वहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च। ये है टमाटर एक बड़ा साइज का या 1.5 ले लीजिए आप, 2 बड़ी प्याज और ये लहसुन के कुछ जवा जात, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया गोश्त, गोश्त पे हमें बनाना है मूली। मूली गोश्त बनेगा घर में, पेट से हो जाएगी उधम, क्योंकि मूली पेट पर कर देती है उधम धम धम, जैसे कि सबको मालूम है, ठीक है। गोश्त को इस तरह से पहले सारे ऑयल वगैरह और मसाले वगैरह सब कुछ डाल दीजिए। अब ये चूल्हे पे नहीं है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी के जो मैंने दिखाए हैं वो सब इसमें डाल के इसे सोन के चढ़ाना है हमें चूल्हे पे कुछ इस तरह, ठीक है। चूल्हा ऑन कर लीजिए और इसमें ऐसा चढ़ा दीजिए इसको, और जब जो है इसके अंदर अभी आई थिंक थोड़ा पानी है, पानी भी डलेगा इसलिए क्योंकि गोश्त को गलेगा भी तो ना, कच्चा थोड़ी मूली के साथ खा लेंगे पेट में तो फिर और ज़्यादा उधम हो जाएगी कच्चा खा लिया तो। इसलिए मूली गोश्त बन रहा है यहाँ पर बहुत आसान तरीके से। सर्दियों की सब्ज़ियाँ तो है ही, और सर्दी होती है कितने महीनों की है, तो ऐसे चमचा चला दीजिए ताकि सब कुछ आपस में हल हो जाए, ठीक है। बाहर सहन में बैठ के मम्मा हमारी मूलियाँ काट रही थी पलंग पे बैठ के कुछ इस तरह, तो मैं भी वीडियो बना ली थी। मूली के साथ, मूली के इस तरह से पत्ते होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग कर लेते हैं पर बनते हैं ये एक साथ। इस चॉपर के अंदर है पालक, क्योंकि थोड़ी पालक भी ली जाती है, तो यहाँ पर ये आधा किलो जो है हमने पालक ली है, ठीक है। और जो है मूली आई थिंक 3 पाव वगैरह कितनी है वो जी बता देंगे आपको, ठीक है। पालक लेना ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रेवी भी तो बने, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रे भरी हुई है सब्जियों की, पर जब ये सारा सालन बन जाता है तो कोने में जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से जल्दी 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 राउंड शेप में मूली को काट दीजिए, पानी में अच्छे से धो के मूली को, सालन चढ़ता जा रहा है उसमें डाल दीजिए इस स्टेज पर, ताकि इसके बॉयल वाले स्टेज में मूली गल जाए ना। तो इस तरह से मूली को डाल दें आप, ठीक है। मूलियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं, वाइट वाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूलियाँ खड़ी खड़ी रहें, बाज़ लोग चाहते हैं सब्ज़ी खड़ी करें, तो ज़्यादा चमचा नहीं चलाया करें, इस तरह से लंबा लंबा बस चला दिया करें ताकि अच्छे से हल हो जाए। या बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चलाना भी चाहते हैं, यानी बिल्कुल खुल जाए मूली, तो आप वो भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है जैसे आप चाहें, ठीक है। यहाँ पर इतने में हमने पालक और मूली के जो पत्ते थे ना, दोनों को मिक्स करके अच्छे से धो लेना है, क्योंकि मिट्टी लगी हुई होती है। तो यहाँ पे सालन में और अच्छे से उबाल आता जा रहा है, मूलियाँ गलती जा रही हैं, ठीक है। ये सब हमने धो लिया, अब हम पालक और जो मूली के पत्ते हैं दोनों में उनको अच्छे से निचोड़ के भगोने में, यानी उनका पानी हटा के इस तरह से भगोने में डाल देना है जहाँ पे हमारा मूली गोश्त चढ़ा हुआ है, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने इसके अंदर पालक और मूली के पत्ते जो है दोनों मिक्स करके धोए, उन्हें इसमें डाल देना है, ठीक है। और ये भगोने में अभी इतना भर जाएगा, बट ये जब भुन जाएगा ना तो बिल्कुल एक भुना हुआ सालन की मानिंद नज़र आएगा ये सालन मूली गोश्त, ठीक है। चमचा भी चलाते रहना है ताकि अंदर बैठती जाए ये पालक और मूली के पत्ते। इस तरह से बहुत जल्दी बनने वाला ये सालन है। सर्दियों की सब्ज़ियाँ तो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, बट बहुत सारी होती हैं, भुजिया वगैरह होती हैं, क्या क्या कुछ होती हैं, वो मटर आ जाए तो उधम ही हो जाती है। तो इंशाल्लाह जल्द आपको मटर से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ रेसिपी, चावल वगैरह आपको सिखाएंगे सोचा हुआ है। तो मूली गोश्त को आप देख लीजिए उसका हालत कि किस तरह से भुन गया है, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। इसी टाइम इस पर डाल दीजिए अदरक और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें सारी इसलिए डाल दीजिए क्योंकि हरी मिर्चें कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसमें अच्छे से पक जाएंगी ना, तो अपना ये मिर्चपन भी इसमें छोड़ देंगी सालन में, और ऊपर से जब ये मुँह में आएंगी ना खाएँगे तो बहुत ऐसी सख्त सख्त कुछली होंगी, घुली हुई होंगी, क्योंकि हमने अच्छे से सालन के स्टेज पर डाल दी है, ऊपर सजावट के टाइम पर नहीं, ठीक है। तो मूली गोश्त यहाँ पर अच्छे से हमारा भुनता जा रहा है, अब हम इसको जो है रख देंगे, ठीक है, दम के लिए। अब इसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा जो है ये गरम मसाला, गरम मसाला लाजमी डलता है सालनों पे, चाहे वो पतले शोरबे का हो या गाढ़ा, हरे धनिए की पूरी इस पर कर देनी है आपने बरसात, ताकि सालन हो जाए ज़बरदस्त तैयार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये मूली गोश्त यहाँ पे हो गया तैयार, अब हम इसे प्लेट पे कर लेते हैं बाहर। मूली गोश्त हमारा यहाँ पे हो गया तैयार, आप लोगों ने बताना है कैसी सिंपल सी आसान सी रेसिपी आपको लगी, लाइक कीजिएगा, और मूली गोश्त जिसको पसंद है वो भी हमें बताइएगा। फॉर मोर इजी रेसिपीज़ के लिए तैयार रहिएगा और चैनल को रखिएगा सब्सक्राइब। खूब हवा चल रही थी, विंडो में से आ रही थी तो इसलिए हरा धनिया उड़े जा रहा था, तो चैनल को रखिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो कीजिएगा लाइक और कमेंट्स पर बताइएगा, और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। मूली गोश्त।
पेट को कर दे धम धम धम, पता है ना सबको।